ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, बहुमान आना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। जब जब सामायिक में बैठना, जब जब सामायिक में बैठते हैं, इस बात का बहुमान आना चाहिए, अहो मेरा भाग्य मैं कैसी त्रिलोक पूज्य मुद्रा को प्राप्त हुआ हूं। सामान्य मनुष्यों की तो बात क्या, इस मुद्रा के सामने साक्षात सौधर्मेंद्र स्वर्ग की विभूति छोड़कर के आकर और नमस्कार करने के लिए यहां इस पृथ्वी पे आता है, वहां नहीं मिलती, वहां नहीं मिलती। स्वर्ग में दिगंबर मुद्रा देखने को नहीं मिलती है, सौधर्मेंद्र को दिगंबर मुद्रा के दर्शन करने के लिए इसे ब्रह्मांड में आना पड़ता, यहां आना पड़ता है, भरत क्षेत्र में आना पड़ता है, ऐरावत क्षेत्र में आना पड़ता है, विधि क्षेत्र में आना पड़ता है। और चूरन चट्टी करते मिल जाए मुनिराज, ऐसे कोई कार्य करते मिल जाए मुनिराज जो निंद है, मुनि अवस्था में नहीं किए जा सकते हैं, तो बड़े शर्म की बात है कि इतनी इतनी उत्कृष्ट अवस्था, अमूल्य वस्तु को प्राप्त करके भी तुम अभी तक वो चूरन और चटनी में ही लगे हो। स्वानुभूति का आनंद कब लोगे? आचार्य भगवंत ने एक बार किसी से प्रश्न किया, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि नाम से आप सब लोग परिचित हैं। आचार्य भगवंत ने एक जीव से प्रश्न किया कि आचार्य गुरुदेव ने हमें एक छोटा सा काम सौंप दिया था, तो हमारी तो रातों की नींद गायब हो गई थी कि भैया जब जल्दी से काम कब निपट जाए। सामायिक में भी वही काम नजर आता था, स्वाध्याय करते तो वही काम दिखाई देता था और लगता था कैसे ये काम जल्दी निपट जाए। आप इतने बड़े बड़े कार्य हाथ में लिए बैठे हो, आपको विकल्प नहीं आता। उनके शब्द में आपको सुनाता हूं, सरल हृदय जीव होगा तो अंतर आत्मा की बात कहेगा, साधु पुरुष होगा, अस्ति पुरुष चिदात्मा, तो साधु पुरुष में साध्वी साधु सब जाते हैं, तो साधु पुरुष होगा तो हृदय की बात को स्पष्ट कहेगा। उन्होंने कहा हमारा सही बात बताएं। तो जिस दिन से ये प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है उस दिन से हम सामायिक नहीं कर पाए, क्योंकि कभी तो ये याद आता है कि इस काम में भी कितना कार्य कितने और करवाना, से पूरी खुल के बात नहीं बता रहा हूं मैं, इस कार्य को करवाने के लिए कितनी पत्थर मंगाना पड़ेंगे, कहाँ से धन मंगाना पड़ेगा, कहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा, कहाँ से ये करना पड़ेगा, कहाँ से वो, कौन सा इंजीनियर बुलाना है, कौन सा क्या करना, इतने विकल्प खड़े हो गए हैं जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो। मैंने नियम भी कर लिया है कि ये कार्य पूर्ण होगा फिर जीवन में कोई दूसरा कार्य नहीं लूंगा। एक छोटा सा कार्य हाथ में आते सामायिक भंग हो जाती है, इसलिए साधु को तो साधु के कार्य शोभा देते हैं। तपहा श्रुताहा, एक बार की और घटना बताता हूं, आचार्य सुनाते हैं, क्लास में कई बार सुनाई आचार्य ने इसी के ऊपर कि साधु कार्या कहाँ लगी, इधर बतिया होता साधु कार्या तपा श्रुता। एक नसिया भिंड की बात है, ये आचार्य शिव समय छुल्लक थे, नहीं आचार्य शिव समय ग्रस्त थे। कोई मुनिराज का संग आया और एक युवा मुनिराज, सुनना भैया, सुनी भी होगी वैसे आचार्य शिव मुंह से आप लोगों ने, एक संग आया तो एक युवा मुनिराज बैठ करके भक्तों के साथ गप्प लड़ा रहे थे और एक वृद्ध मुनिराज पेन की रिफिल होती ना, पेन की रिफिल जो पहले चवन्नी में अठन्नी में आती थी रिफिल, तो पहले रिफिल भी चलती थी, तो रिफिल को हाथ में लिए और एक डायरी में शास्त्र को उतार रहे थे। वे मुनिराज की उम्र होगी लगभग 80-85 साल, युवा मुनिराज बैठ के बातें कर रहे थे। तब आचार्य श्री ग्रस्त अवस्था में जब उनके दर्शन करने गए, वे जाकर के उन वृद्ध, चूंकि आचार्य श्री तो शुद्ध प्रेमी शुरू से ही रहे हैं, वे जाकर के मुनिराज के बाजू में बैठ गए, उनको नमस्कार किया, दोनों मुनिराजों को नमस्कार किया, लेकिन बैठे कहाँ, वृद्ध मुनिराज के पास, और उनसे जाकर कहा महाराज जी क्या कर रहे हो आप। उनका बेटा जी ग्रंथ को
लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस ग्रंथ में जो अच्छी अच्छी बातें ना वो मैं अपनी डायरी में नोट कर रहा हूँ। तो उनने कहा अब आपकी उम्र 80-85 साल हो चुकी है, इस उम्र में आप ये लिखोगे तो ये आपके किस काम का? अरे बेटा व्यर्थ में बैठूंगा, व्यर्थ की बातें दिमाग में आएंगी, व्यर्थ में बैठूंगा चार लोग आकर के घेर लेंगे, तो यहाँ वहाँ की बातें करेंगे और गेस्टों के पास तो बातें कुछ होती नहीं है। धर्म की बातें तो बहुत सारी होती हैं, गृहस्थों के पास तो आकर के बैठेंगे महाराज जी 5 मिनट तो धर्म की बात करेंगे, महाराज जी ये तत्व ऐसा वैसा, फिर शुरू हो जाएगा उनकी गृहस्थों की, हमारे घर में ऐसा, उनके हमारे पड़ोसन के ऐसा, पड़ोसी के ऐसा, पेपर में आज ये आया था, व्हाट्सएप पे ये पढ़ा, वो तो 5 मिनट धर्म की बातें होती हैं फिर यही शुरू हो जाते। तो मुनिराज ने क्या कहा, बेटा फिर ही बैठूंगा फालतू रहूँगा तो दिमाग में इधर उधर के विचार आएंगे, यहाँ वहाँ की बातें होंगी, इससे अच्छा मैं अच्छी अच्छी बातों को लिखने में अपने उपयोग को लगाता हूँ, हो सकता है मैं इनको याद नहीं कर पाऊँ परंतु जितनी देर लिख रहा हूँ उतनी देर तो मेरा उपयोग सुरक्षित है कि नहीं है। अब आचार्य मतलब लला राजेंद्र लला लला बैठे बैठे सोच रहे थे, ओह एक एक 25 साल के मुनिराज गप्पों में समय बर्बाद कर रहे हैं और एक 85 साल के मुनिराज आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। ईमानदारी वाले बताना अम्मा, झूठ झूठ तो बोलना नहीं। आपको जब आप हमारे पास आओ और आकर के जब हमें देखो, हमें से मतलब तीनों महाराज को, जब आप अगर आकर के हमें देखो और हम स्वाध्याय करते, पेंसिल हाथ में लिए स्वाध्याय करते, कुछ लिखते मिले हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। और हम यदि बैठ करके ये सौरभ और ये पंकज इनसे बैठ कर हंसी ठिठोले करते ठहाके लगाते आपको मिले, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? भूल तो दो, अच्छा नहीं लगेगा ना। ये लोग सब जानते हैं, ये लोग सब जानते हैं। सौरभ ओ अक्ष क्या नाम है, बाशु विशु अरे आशु, मुनिराजों के पास आओ, मुनिराजों के पास आओ, आकर के बस उनको देखो। हम विश्वास मानना, हम कभी आचार्य जी के पास जब आते थे घर से, आचार्य जी से पूरे भले चाहे हम 8 दिन रुकें, चाहे 15 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे महीने भर रुकें, आचार्य जी से हमारी चर्चा कितनी होती थी हम बताते हैं आपको। आवश्यक कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसका समाधान करते थे, प्रश्न का उत्तर लेते थे स्वाध्याय क्लास में। हम पहुंचे, आचार्य जी मुस्कुरा दिया, हमने कहा ठीक ठीक आशीर्वाद आपका, बस इतनी बात करते थे हम। और जब क्लास चलती थी तो सारे मुनिराज सारे ब्रह्मचारी बैठते थे, हम पीछे कोने में खड़े होते थे, वहां से सुनते थे। हमारे कारण से किसी साधु को किसी श्रावक को स्वाध्याय में विघ्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए। विनयपूर्वक हाथ जोड़ खड़े रहते थे, सुनते रहते थे, देखते रहते थे आचार्य जी की बस मुद्रा को, और सोचते रहते थे कितने शांत परिणामी है ये, इनकी मुद्रा, इनकी मुद्रा कितनी शीतल है, गृहस्थी के कार्यों में मैं कितना तप्त हो जाता हूँ, भट्टी की तरह झुलस जाता हूँ, इनके पास आकर के कितनी शीतलता का वेदन होता है, इनके पास आकर कितनी शांति की अनुभूति होती है। अब तुम चिल्ला चोंच करोगे, हल्ला गुल्ला करोगे तो कहाँ वो शांति का वेदन कर पाओगे। मुनिराजों के पास जाओ, बस शांत चिट्ठ होकर बैठ जाओ, बस टकटकी लगा करके उनकी उस मुद्रा को देखते रहो। मैं आपको बोलता हूँ, जो आनंद की अनुभूति उस समय होगी मुनिराजों से बात करके नहीं होगी। पर मुनिराज भी शांत बैठे हों तभी हो पाएगी। अब मुनिराज खुद ही ठहाके और चुटकुले सुनाते मिल जाएंगे तो कहाँ से शांति का वेदन होगा। इसलिए मुनिराजों का कर्तव्य बनता है, मुनिराजों का कर्तव्य बनता है, आचार्य ने एक दिन सूत्र प्रदान किया था, मुनिराजों का कर्तव्य बनता है कि हे मुनिराज अपनी आलौकिक वृत्ति को निहारो, आपके दर्शन के लिए बाहर
लाइन लगा के लोग खड़े हैं। हे मुनिराज, अपनी उत्कृष्टता को पहचानो। 3 बजे गेट हम 3 बजे खोलते हैं, 2 बजे से 2:30 बजे से लोग बेचारे इंतजार करते हैं, जैसे ही गेट खुलेगा मुनिराज के दर्शन होंगे, जैसे ही गेट खुलेगा मुनिराज के दर्शन होंगे, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और वे मुनिराज मोबाइल पे स्क्रॉल करते मिल जाएं, तो दिल टूट जाएगा श्रावक का, हृदय दुखित हो जाएगा। ओ मैं क्या देखने आया था, ये क्या दिखा रहे हैं, मैं 1 घंटे से द्वार पे बैठा इस बात का इंतजार कर रहा था, दरवाजा खोलेगा गेट खोलेगा मुनिराज के दर्शन होंगे, यहाँ तो मुनिराज है ही नहीं, मिले ही नहीं मुनि मुनिराज। तो गाने सुनते मिल जाए मुनिराज, लैपटॉप चलाते मिल जाए मुनिराज, तो सिरदे एसी पंखा कूलर चलाते मिल जाए मुनिराज, तो श्रावक का बेचारे का हृदय दुखित हो जाता है। हजारों किलोमीटर बेचारा रात रात भर जगता है, ट्रेन में टिकट नहीं मिलती, अनुभूति करना चाहिए इन सब चीज़ों की। आपको क्या लगता है मुनि बन के केवल बस ऐसी खाए पिए मस्त चक्क, ओ अखिलेश भैया खा पी कर चक्क पड़ा था, मुनिराज खा पी कर चक्क पड़ रहे थे क्या? खा पी कर चक्क नहीं पड़े रहते मुनिराज, खा पी कर आते हैं तो चुकाते हैं उसको, खा पी कर आते हैं तो ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तपस्या करते हैं, चक्क नहीं होने के लिए नहीं खाते पीते हैं। मुनिराज शरीर में किंचित बल होगा तो ही ध्यान लगेगा, स्वाध्याय में तो ही ध्यान में मन लगेगा, तो ही सारी क्रियाओं को व्यवस्थित विधिपूर्वक उत्साहपूर्वक कर पाएंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला, जाधारी कंठी और जाधारी माला, भूखे पेट भजन नहीं हो पाता, इसलिए अल्प आहार करके मुनिराज आते हैं और आकर के उस आहार का रस निकालते हैं। शरीर आहार से अपना रस निकालता है, उस रस को पा करके मुनिराज आत्मा का रस निकालते हैं। मुनि नाम आलोकी वृत्ति, मुनिराजों की अलौकिक वृत्ति होती है, स्वयं आनंदित होते हैं। ये रिंकू भैया परसों बोल रहे थे, कह रहे थे महाराज आपकी वो राम कथा सुनने में जितना आनंद नहीं आता, आपके जो आप जो आनंदित होते हो सुनाते हुए, उस आनंद को देख के मुझे तो बड़ा आनंद आता है। सही बोल रहा रिंकू भैया, श्रुतई अमृतई ऐसा कहा है आचार्यों ने, श्रुतई अमृतई, श्रुत अमृत है। जिस अभागे ने श्रुत का पान नहीं किया है उसको क्या पता कि श्रुत कैसा अमृत है। और हम तो कहते जब आचार्य भगवान के मुख से श्रुत का कुछ सुनते हैं, तत्व ज्ञान लेते हैं, तो मन गदगद हो जाता है। वास्तव में बता रहे हैं, हम तो आचार्य से बोलते हैं कि आचार्य आपके पास पढ़ने से, आपके पास बैठने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो ना हमें सामायिक में होती है, आचार्य के प्रवचन में आचार्य क्लास में जो अनुभूति होती है ना वो अनुभूति हमें सामायिक में होती है, ना वो अनुभूति हमें कितनी भी क्रियाएं कर लें कुछ भी कर लें वो अनुभूति नहीं होती। जब आचार्य तत्व का निचोड़ निकाल निकाल करके पिलाते ना तो मन तृप्त हो जाता है। और आपको लगता है रिंकू भैया, आपको लगता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, अरे हम कुछ बोलते ही नहीं, अपने पास है क्या, हमने तो वही भर भर के अपने अंदर ठास ठास के भर भर के रख लिया, जैसे ये अम्मा हमारी आटे का डब्बा ठास ठास के भर देती ना, ऐसे ही आचार्य जी बोलते थे और हमने तो अपने दिमाग में बिल्कुल एक एक सूत्र को एक एक श्लोक को फिट करके रखा हुआ है, वो ही सुनाते रहते हम, आपको लगता है कुछ स्पेशल चल रहा है। अपने पास क्या, इन्वर्टर के पास होता क्या है, इन्वर्टर के पास अपना कुछ होता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को रखता है और जब लाइट चली जाती है तो लट्टू जला देता है। ये भी आचार्य जी का उदाहरण है, स्टोर कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है, और जब लाइट चली जाती तो प्रकाश देता है। ऐसे ही अपन तो छोटे से इन्वर्टर हैं, डीपी तो ट्रांसफार्मर तो वो है आचार्य विश्व सागर जी,
उनसे थोड़ी सी लाइट ले लेते हैं, स्टोर करके रख ली, अब ट्रांसफार्मर दूर है तो फिर अपन छोटे छोटे बल्बों से प्रकाश कर रहे हैं आनंद। तो वही बातें मुझे याद आती रहती हैं अंदर अंदर में, मैं कुछ बोलता हूँ तो वो रिकॉल करती रहती, स्मरण में आती रहती बातें, वही मैं बोलता रहता हूँ तो आनंदित होता हूँ, ऐसा लगता है आचार्य जी साक्षात सुना रहे हैं और मैं आनंद को प्राप्त हो रहा हूँ। और मुनि नाम आलो की वृत्ति, मुनि राजों की वृत्ति तो ऐसी हुआ ही करती है कि मुनि राज अपने आप में आनंद में जीते हैं और जो उनके पास आता है वो भी आनंदित हो जाता है। ये भैया चलो, भरत को जब बहुत सारा समय हो गया तब भी मुनि राज के दर्शन करने आर्य नामक आचार्य, द्वितीय नाम के आचार्य थे, उन आचार्य भगवंत के पास जाकर के उन्होंने बहुत भारी उत्सव पूर्वक उन मुनिराज की पूजन अर्चना की, पाद प्रक्षालन किए और मुनिराज को अर्घ दिया, अष्टद्रव्य उनकी पूजन की, पूजन करके भरत दोनों हाथों को जोड़ करके बैठ गया और निवेदन किया, भगवान मेरी आत्मा संसार में बड़ी दुखित है, संसार में परिभ्रमण करते हुए कितने काल मैंने व्यतीत कर दिए, पर मैं इस आत्मिक सुख को कब प्राप्त होऊंगा, मैं कैसे प्राप्त होऊंगा, मैं धर्म को कैसे ग्रहण करूं, धर्म होता क्या है, कृपया कर मुझे बताने का प्रयास तो कीजिए, मुझे अपने शब्दों से तृप्त कीजिए। जब भरत ने ऐसा निवेदन किया तो अपने मुख की कांति को और चारों ओर फैलाते हुए वे मुनिराज तत्व का उपदेश देने लग गए। उन्होंने कहा, हे भरत, संसार में जीवों को सुख का जो कारणभूत है उसका नाम संयम है, व्रत है। संयमित जीवन ही जीव को सुखी करता है, असंयमित जीवन जीव को कभी सुखी नहीं कर सकता। ये संसार के भोग, ये भोगों की आकांक्षाएं इस जीव को कभी तृप्त नहीं कर पाएंगी। अनंत काल व्यतीत हो गया, अनादि काल से यह जीव संसार में है और संसार में चार संज्ञा और विषय भोगों के अलावा इस जीव ने किया ही क्या है, और इतना कल्प काल व्यतीत हो चुके हैं पर इसने आज तक उन भोगों से तृप्ति को प्राप्त नहीं किया, इसलिए भोगों से कभी तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, सांसारिक वस्तुओं से कभी तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। परिग्रह को एकत्रित करने से, धन को संचय करने से इनसे जीव को संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। संतुष्टि के लिए यदि कुछ है तो महाव्रत और अणुव्रत है। महाव्रत बड़े भाई के तुल्य होता है और अणुव्रत छोटे भाई के तुल्य होता है। जैसे बड़ा भाई घर में सब कार्यों में दक्ष होता है, घर के संचालन में निपुण होता है, ऐसे ही जो महाव्रत हैं ये मोक्ष को पहुंचाने के लिए सीधा मार्ग है। जो इस दुर्धर तप को तप करने में, तपने में असमर्थता प्रकट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए छोटे भाई रूप जो अणुव्रत है उसको धारण करना चाहिए। वह अणुव्रत वह भी क्रम क्रम से मोक्ष के मार्ग को खोलता है और क्रम क्रम से मोक्ष को प्रदान करता है। इसलिए सभी विकल्पों को छोड़ करके तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को, तुम जैसे बलशाली पुरुषों को महाव्रत ही धारण करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वह जीव जो कोई दरिद्री पुरुष है और किसी रत्न द्वीप में चला जाए, यहाँ तो रत्नों के व्यापारी बैठे ना, तो उनको पता है एक एक रत्न की कीमत कितनी होती है। तो कोई भी व्यक्ति दरिद्री रत्न द्वीप में चला जाए, वो तो जिस रत्न को हाथ लगाएगा वही अनमोल है। ऐसे ही रत्नत्रय से युक्त यह जीव चाहे सम्यक दर्शन को देखे अनंत गुणों से युक्त है, सम्यक ज्ञान को देखे अनंत गुणों से युक्त है, सम्यक चारित्र को देखे अनंत गुणों से युक्त है। जिस भी रत्न को हाथ लगाता है वही बेस कीमती है। संयमी जीव का जीवन उत्कृष्ट होता है, संयमी जीव का जीवन पूजने योग्य होता है, सम्माननीय होता है। इसलिए जो संयम रत्न से सुशोभित होते हैं वे जीव लोक में यश और सुख को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने करते हुए और अनेक अनेक प्रकार से तत्व का उपदेश देते हुए राजा भरत से कहा कि जो जीव
महाव्रतों को धारण करने में समर्थ नहीं होते हैं, वे जीव अणुव्रतों को धारण करते हैं।